तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे बढ़ रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्री फायर का सबसे बेस्ट कस्टम होड सेटिंग। यानी कि अगर आप लोग टू फिंगर खेलते हो या फिर थ्री फिंगर खेलते हो तो आप लोगों को कौन से वाले कस्टम HD पर खेलना चाहिए। तो चलो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं मुद्दे की बात। तो भाई मुद्दे की बात यह है कि आज से पहले आप लोगों ने कस्टम HD के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और आप लोगों ने कस्टम HD को कॉपी करके अपने मोबाइल के अंदर लगाया भी होगा। लेकिन उस टाइम पे आप लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग की ना तो उस टाइम पे मूवमेंट बनती है, ना ही आप लोगों के बन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोगों के हेडशॉट पड़ते हैं। भाई मुंह की बात छील ली। तो भाई इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपका भाई है ना जो आपको बताएगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट कस्टम HD कौन सी होने वाली है अगर आप लोग टू फिंगर खेलते हो फिर थ्री फिंगर खेलते हो। तो भाई यहाँ पर जो मैं आपको कस्टम HD बताने वाला हूँ तो उसका अगर आप लोग यूज करोगे तो उस टाइम पे आप लोगों की जो ग्लू लगाने की स्पीड है वो भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। आप लोगों की जो मूवमेंट स्पीड है वो भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अगर आप लोग वन टैप नहीं मार पाते फिर आप लोगों को हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम आती, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। इतनी खुशी तो देखो यहाँ पर मैं आपको कस्टम HD के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको कस्टम HD के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ जो कि आप में से 90% बंदों को नहीं पता होगी। अगर आप लोगों को पता थी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो अभी मैं आपको जो कुछ बोलूँ पहले उसको सुनना है, देन उसके बाद ही आप लोगों को गेम में जाके ट्राई करना है। तो जैसे ही आप लोग अपनी गेम की सेटिंग के अंदर आते हो वहाँ पर आप लोगों को तीन कस्टम HD देखने को मिलती है आप लोगों के सामने। यहाँ पर जैसे मेरी तीसरी वाली रैंडमली कस्टम HD है, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको कस्टम HD नहीं बता रहा हूं। तो जैसे मान चलो मैंने अपनी कस्टम HD खराब कर दी, या फिर आप लोगों से भी कई कई बार आपकी कस्टम HD खराब हो जाती है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख भी पा रहे हो कि मैंने अपनी कस्टम HD को पूरा खराब करके सेव कर दिया। देन उसके बाद यहां पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद सबसे ऊपर में आपको एक सेटिंग और मिलती है जिसका नाम होता है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग के अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अपलोड और डाउनलोड। तो अभी आप लोग यहां पर एक जादू देख रहा है कि जैसे मैं अपने डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो कस्टम HD मैंने खराब की थी या फिर आप लोगों से कभी कभी खराब हो जाती तो आप लोगों की वही कस्टम HD वापस से आ जाएगी जो कि आप लोगों की पहले थी। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि ये ट्रिक वर्क किस तरीके से करती है। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने फ्री फायर की सेटिंग के अंदर आना है, वापस से आप लोगों को बेसिक सेटिंग के अंदर जाना है। बेसिक सेटिंग के अंदर आप लोगों को अपलोड वाला एक ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों ने जो भी कस्टम HD बनाई होती है उसे आप लोगों को अपलोड करना है। जैसे ही आप लोग इसे अपलोड करोगे देन उसके बाद आप लोगों की जो कस्टम HD होती है वो अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग कभी भी किसी के भी मोबाइल में इसे डाउनलोड करके गेम प्ले कर सकते हो। तो चलो अभी हम बात करने वाले वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कस्टम होड सेटिंग के बारे में बात। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने तुम सभी को शुरू में एक बात और बोली थी कि यहाँ पर जो मैं कस्टम HD बताने वाला हूँ उससे आप लोगों की मूवमेंट स्पीड भी नेक्स्ट लेवल की होगी, आप लोगों का जो गेम प्ले वो एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, आप लोगों के बन टैप भी नेक्स्ट लेवल के पड़ेंगे और आप लोगों के हेडशॉट भी नेक्स्ट लेवल के पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा कि यार देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो चलो अभी हम बात करने वाले हैं बेस्ट कस्टम HD सेटिंग के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ बोलूं या फिर जो कुछ भी दिखाऊं उसको पहले सुनना है और ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप लोगों को गेम में जाके ट्राई करना है। तो भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप में से जितने भी बंदे फ्री फायर गेम खेलते हो आप लोगों को एक गलती है जो कि कभी भी नहीं करनी है, मेरे कहने से या फिर किसी दूसरे यूट्यूबर के कहने से आप लोगों को अपनी कस्टम HD कभी भी चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर हर किसी बंदे की अलग अलग कस्टम HD होती है। जैसे मेरी अलग कस्टम HD है, आप लोगों की अलग कस्टम HD, और आप लोगों को उस कस्टम HD पर अलग हाथ सेट है। अगर मैं बोलूंगा तो आप लोगों को उस कस्टम HD पर हाथ सेट करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि ना तो मेरे कहने से ना ही किसी दूसरे यूट्यूबर के कहने से आप लोग को अपनी कस्टम HD बदलनी है। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अपनी कस्टम HD के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जो कि करने हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर के चेंज के बारे में बात। तो पहले नंबर का चेंज है वो ये है कि आप लोगों को जो फायर वाला बटन होता है उसके ऊपर आपके कोई भी एक्स्ट्रा बटन ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने फायर वाले बटन के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बटन ऐड करते हो तो उस टाइम पे आप लोग को ड्रैग करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप लोग का ड्रैग रुक जाता है। तो आज आप लोग को चेक करना है कि आप लोग को जो फायर वाला बटन है उसके आस पास या फिर उसके ऊपर नीचे कोई भी एक्स्ट्रा बटन ऐड नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा बटन ऐड है तो उसे आज के आज ही हटा देना। सेकंड चेंज जो कि आप लोगों को अभी क्या करना है, तो देखो आप लोगों को जो रन वाला बटन होता है उसकी साइज आप लोगों को मैक्स कर देनी है, ठीक है, आप लोगों को हटाना नहीं, बस आपको उसकी साइज है उसे मैक्स कर देना, और आप लोगों की जॉयस्टिक की जो साइज होती है उसे आप लोगों को जीरो कर देना है। तो देखो आप लोगों को अपने रन वाली बटन की साइज को बढ़ाना क्यों और अपनी जॉयस्टिक की साइज को घटाना क्यों है, तो मेरे देखो अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर मूवमेंट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप लोगों का रन वाला बटन सबसे इंपॉर्टेंट बटन होता है। और आप में से 90% बंदे गलती क्या करते हैं कि आप
लोगों की जॉयस्टिक की साइज भी सेम होती है और अपने रन वाले बटन की साइज भी सेम होती है। तो मैंने देखो, अगर आप लोगों का जॉयस्टिक पर बार बार हाथ जाएगा, फिर आप लोग अपनी जॉयस्टिक को बार बार यूज करोगे, तो उस टाइम पे आप लोग की मूवमेंट काफी स्लो हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को फास्टेस्ट मूवमेंट स्पीड दिखानी है, तो उसके लिए आपको अपने रन वाले बटन की साइज को मैक्स कर देना और अपनी जॉयस्टिक की साइज को जितना छोटा हो सके उतना छोटा आप लोग कर देना, जो कि आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट नंबर पर आता है ग्लू बॉल। अब आप लोगों का जहां पर भी ग्लू बॉल बटन है उसे वहीं के वहीं पर ही रहने देना, लेकिन जो इसकी साइज है उसे भी आप लोगों को 100 यानी कि मैक्स कर देना है। अभी हम बात करने वाले नेक्स्ट बटन के बारे में बात। तो नेक्स्ट बटन है आप लोगों का जंप वाला बटन, सेट वाला बटन और सोने वाला बटन। तो आप लोगों को जंप वाला जो बटन होता है उसकी भी साइज आप लोगों को मैक्स कर देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोग के सेट वाले बटन की। तो सेट वाले बटन की साइज आप लोगों को हमेशा 50 से अबव रखना है, 50 से ऊपर रखना है, 52, 53, 55 तक आप लोग अपने सेट वाले बटन की साइज को लेके जा सकते हो। सोने वाले बटन का कोई काम होता नहीं, तो आप लोग इसे अपने मन के हिसाब से कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी रख सकते हो। तो देखो, यहाँ पर अभी मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट बटन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग के टू फिंगर में भी काम करेंगे और थ्री फिंगर में भी काम करेंगे। अगर आप लोग थ्री फिंगर ही कस्टम एचडी बनाना चाहते हो, फिर टू फिंगर ही कस्टम एचडी बनाना चाहते हो। और वो तीन बटन है आप लोगों का, एक तो है गन रिलोड वाला, दूसरा है गन चेंज करने वाला और तीसरा है आप लोगों का लेफ्ट फायर वाला बटन। तो देखो, आप लोगों के जो तीनों बटन होते हैं उन्हें आप लोगों को लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड रखना है, जहां पर मैंने अभी इनको रख रखा है। और इनकी जो साइज है उसे आप लोगों को 75 से लेके 70 तक के बीच में रखना है। ये जो तीनों बटन होते हैं उनका यूज थ्री फिंगर वाले ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर आप लोग टू फिंगर हो तब भी आप लोग इन बटन का यूज कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप लोगों को ये तीनों बटन ऊपर की साइड रखने हैं, जहां पर मैंने अभी इनको रख रखा है। आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जिनके पास ना तो टॉप अप करने के पैसे, ना ही आप लोगों के पास डायमंड लेने के पैसे, तो आज की इस वीडियो के जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओगे, तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है, जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। उस वीडियो को देखने जाओ। उससे पहले मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेरे अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा के अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।